नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस कड़ी में कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 और रमन सरकार के 15 सालों का कच्चा चिट्ठा जारी किया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार सहित देश की जनता का शोषण करने का आरोप लगाया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर कच्चा चिट्ठा जारी करते हुए कहा कि मोदी ने देश में महंगाई करने, सुशासन लाने सहित किसानों के लिए कई घोषणाएं की थी, लेकिन पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का दाम बढ़ाकर उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों को भी गरीबी रेखा में लेकर पटक दिया है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों के देश में केवल मोदी अपने करीबी पूंजीपति साथियों को ही फायदा पहुंचाने में लगे हैं। उन्होंने अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर कहा कि देश में इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी अडानी को नियम के विरुद्ध फायदा पहुंचाया जा रहा है। शैलजा ने मोदी पर देश को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के 14 प्रधानमंत्रियों के 67 साल के कार्यकाल में केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज हुआ था, लेकिन मोदी ने पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर देश को कर्ज में डुबा दिया है। उन्होंने जीएसटी मुद्दे पर कहा कि छत्तीसगढ़ उत्पादन देश है और यहां सेंट्रल एक्साइज के नाम पर यहां से वसूली करके प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। साथियों, आप जानते ही हैं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, आज सारे देश में उस बात की चर्चा है और खास तौर से छत्तीसगढ़ की जनता में 5 साल के बाद भी आप उतना ही उत्साह देख रहे हैं। और ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी यहाँ की सरकार के साथ जो भेदभाव हुआ, जिस प्रकार से हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया और किया जा रहा है, वो बातें आपके सामने हैं। लेकिन हम इन बातों से दबने वाले या डरने वाले नहीं, ना हमारे नेता दबेंगे और ना हमारा कार्यकर्ता दबेगा और ना ही छत्तीसगढ़ की जनता दबेगी, क्योंकि पहली बार जो छत्तीसगढ़ की जनता को एक गौरव महसूस हो रहा है अपने आप पर, छत्तीसगढ़िया होने के नाते इस बात को यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रमन सिंह का कच्चा चिट्ठा जारी करते हुए कहा कि रमन सिंह ने अपने 15 साल के कार्यकाल में 34 बड़े घोटाले किए हैं, साथ ही किसान और आदिवासियों से लेकर सभी वर्गों के लोगों का शोषण किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और उसके मंत्रिमंडल के राज में नान घोटाला, पनामा घोटाला, चावल घोटाला, आंख फोड़वा कांड, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, डीकेएस घोटाला, गौशाला घोटाला, आबकारी घोटाला, शासकीय भूमि पर कब्जा, इंदिरा बैंक घोटाला और तेंदू पत्ता खरीदी घोटाला सहित कई घोटाले हुए हैं। वहीं किसानों को 2100 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 300 रुपए बोनस देने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। साथ ही आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर उन्हें नक्सली बताकर जेल में ठूंसा गया। उन्होंने प्रदेश में ईडी, आईटी और सीबीआई की लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वाइन एजेंसियों से कार्रवाई करवाकर बीजेपी सत्ताधारी दल को दबाना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रमन सिंह के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर मोदी से इन्हीं एजेंसियों से जांच कराने की बात कही है। आज हम भाजपा की जन विरोधी सोच का काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं।
भाजपा ने 15 साल में छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। भाजपा के राज में प्रदेश में आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सभी असुरक्षित थी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। आदिवासी असुरक्षित थे, नक्सलवादी गतिविधियों जोरों पर थी। महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित थी। जलियांवाला और आमाडोला जैसी घटनाएं प्रदेश की पहचान बन गई थी। नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, ओडीएफ घोटाला, पनामा पेपर, डीकेएस जैसे घोटालों से प्रदेश की छवि खराब हुई थी। भाजपा की मोदी सरकार वादा खिलाफी का पर्याय बन गई है। किसानों, युवाओं, गृहिणियों, किसी से किया वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। भाजपा का चरित्र आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब विरोधी। कांग्रेस सरकार ने राज्य के हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार देने विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाकर राजभवन भेजा है। भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक उस विधेयक को राजभवन में रोके रखा है। विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।